السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجم القرآن में आज की हमारी क्लास सूरह غافر की आयत नंबर 21 से है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة الذين كانوا من قبلهم और क्या लम नहीं यसीरू, सारा यसीरू माने चलना, लम यसीरू ये लोग नहीं चले, फिल अर्ध जमीन में चले फिरे नहीं, इन्होंने सफर नहीं किया. फैन जरूर के ये देखें कई फकाना कैसा हुआ, आकिबा अंजाम, अल्लजीना उन लोगों का जो कानू थे, मिन कब्लिहिम इनसे पहले, क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजर चुके हैं. كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. كانوا वो थे, हम वो लोग, अशद्द मिनहुम ज्यादा सख्त इनसे, कुव्वतन ताकत में, वो आसार वो ज्यादा बड़े हुए थे, आसार में, आसार निशानात को बोलते हैं, असर का प्लूरल है आसार, निशानात. और जमीन में फाखजा हूं तो पकड़ लिया उनको अल्लाह, अल्लाह ने भी जुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, जम्मुन का प्लूरल है जुनूब. वमा नहीं कान लहुम हुआ उनके लिए, मिन अल्लाह अल्लाह के मुकाबले में, मिन कोई बचाने वाला, या अल्लाह से कोई बचाने वाला उनके लिए नहीं था. वाकिफ कहते हैं बचाने वाले, वका यकी माने बचाना. वो उनसे बहुत ज्यादा थे कुव्वत में और उन आसार के एतबार से भी जो उन्होंने जमीन में छोड़े, फिर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उनको पकड़ लिया और कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला ना था. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ ये हुआ بِأَنَّهُمْ इस वजह से कि वो कानत تَأْتِيهِمْ थे, تَأْتِيهِمْ उनके पास आते, رُسُلُهُمْ उनके रसूल, ये इस वजह से हुआ कि वो थे ऐसे कि उनके पास आते, अतायाती माने आना, ताती आते, हिम उनके पास, रुसुल उनके रसूल, ये ता मोनस फॉर्म के लिए भी लगता है, हम आपको बता चुके हैं, ता मोनस फॉर्म के भी लगता है, मुजारे में मोनस के लिए भी ता लगता है. और ये रुसुल जो है ये ब्रोकन प्लूरल है, तो ब्रोकन प्लूरल कई जगह वो एज अ मोनस यूज होता है, एज अ फेमिनाइन वर्ड में, बस वर्ड ग्रामेटिकल मतलब. तातीहिम रुसुलुहुम उनके रसूल उनके पास आते, बिल बय्यिनात वाज़ेह निशानियां लेकर, फकफरू तो उन्होंने इनकार किया, फाखज़हुम तो उनको पकड़ लिया अल्लाह, अल्लाह ने. अब ये भी ऐसे ही कर रहे हैं तो जाहिर है इनका अंजाम भी यही होगा, इन्नहु बेशक वो कवीयुन ताकतवर है, शदीदुल इक़ाब सख्त सजा वाला है. ये इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आए तो उन्होंने इनकार किया, तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, यकीनन वो ताकतवर है, सख्त सजा देने वाला है. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وَلَقَدْ और यकीनन अरसलना हमने भेजा मूसा को, बिआयातिना अपनी आयतें लेकर, वसुल्तानिन मुबीन और वाज़ह दलील लेकर, और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ और खुली हुई दलील के साथ भेजा. ये क्योंकि आगे वाली आयत और ये आयत दोनों एक साथ ही इसका लिखा हुआ है तर्जमा, इसलिए ये एक साथ आगे यहाँ पर भेजा तर्जमा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वर्ड यहाँ पर है लेकिन दोनों एक साथ ही है, ये आगे से कनेक्ट है ये वाली आयत पीछे वाली, इसलिए यहाँ पर आया उसका तर्जमा.
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون, فرعون के पास, وهامان और हामान, وقارون और قارون के पास, فقالوا तो उन्होंने कहा ساحر जादूगर, कज्जा झूठा, फिर फिरौन और हामान और कारून के पास भेजा तो उन्होंने कहा कि ये जादूगर है, झूठा है। فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما, फिर जब, जा आहूं, वो आया उनके पास, बिलहक पे, हक लेकर, मिन इंदिना हमारी तरफ से, कालू उन्होंने कहा, उक्तुलु कत्ल कर दो, अबना अल्लजीन आमनु उन लोगों के बच्चों को जो आमनु ईमान ले आए, माहू इसके साथ, यानी इसके साथ जो ईमान ले आए उनके बच्चों को कत्ल कर दो, वस्तहयु और इस्तहया माने होता है जिंदा रखना, उससे अम्र का सेगा है प्लूरल में, वस्तहयु और जिंदा रखो निसा आहू इनकी बच्चियों को, इमरातुन का प्लूरल है निसा माने औरतें होता है, यानी औरतों को बच्चियों को जिंदा रहने दो, वो मा कैदुल काफिरीन और नहीं है कैदुल काफिरीन इनकार करने वालों की चाल, इल्ला मगर फी जलालिन, जल्ला माने होता है राह भटकना, ठीक है। अब यहां पर फी जलाल राह भटकने में मतलब, अब देखिए राह जब मिलती है आदमी को, रास्ता जब मिलता है तो वो कहाँ पहुंचता है, अपने मकसद पे पहुंच जाता है, ठीक है, मकसद पे पहुंच जाता है जिसके लिए वो, जिस मकसद के तहत वो काम किया गया था वो मकसद उसको मिल जाता है अगर राह सही हो, और अगर गलत राह होगी तो वो उस मकसद पे में कामयाब नहीं होता, मिस कर देता है, नाकाम हो जाता है फिर वो। तो फी जलाल माने नाकामी में भी है और बेकार, क्यों कहा गया है, क्योंकि उसको सही राह नहीं मिलेगी तो वो सही जगह पे पहुंचेगी नहीं, जिसके तहत उन्होंने वो चाल चली थी, वो प्लानिंग की थी, वो पूरी नहीं होगी मतलब नाकाम होगी। वमा कैदुल काफिरीन और इनकार करने वालों की चालें नहीं है मगर फी जलाल गुमराही में, मतलब इनकार करने वालों की चालें नाकाम होती हैं। फिर जब वो हमारी तरफ से हक लेकर उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि उन लोगों के बेटों को कत्ल कर डालो जो इसके साथ ईमान लाए और उनकी औरतों को जिंदा रखो, और इन मुनकिरों की तदबीर महज बेअसर रही। وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال اور کہا فرعون, فرعون نے ذروني, ذرو ذر کا پلورل فارم ہے ذرو, وزیر معنی ہوتا ہے چھوڑنا, اس کا مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے معنی چھوڑو, واو نون کے ساتھ, واو کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے ذرو, छोड़ो तुम नी मुझ को, ये इस्तेमाल होता है जैसे इंग्लिश में लेट्स होता है, लेट मी डू ऐसे बोलते हैं, लेट मी डू मुझे करने दो, वही बिल्कुल सेम चीज है, जरूरी छोड़ो मुझे, अक्तुल कि मैं कत्ल कर दूं मूसा को, वल ये दो रब्बा और चाहिए कि वो बुला ले, दाए दो पुकारना, और लिए दो लाम अम्र है ताकि चाहिए कि वो बुला ले रब बहू अपने रब को, इन खाफ हो, अभी बता रहा है रीजन कि मैं क्यों कर रहा हूँ कतल, मैं जुल्म नहीं कर रहा हूँ इस पे, मैं ऐसा ऐसा आदमी नहीं हूँ, अपनी तरफ से एक्सक्यूज दे रहा है, इन खाफ मुझे डर है, अयुब दिल दीन को कि कहीं ऐसा ना हो कि बदल दे तुम्हारे दीन को, और अयुज हीरा या ये अजहरा मान होता है जाहिर कर देना, मतलब है यहाँ पर बर्पा कर देना, मचा देना, अव अयूज ना, यह मचा दे फिलहाल दे जमीन में फसाद, यह जमीन में फसाद मचा दे, यह जमीन में फसाद बर्पा कर दे, बिगाड़ पैदा कर दे। और फिरौन ने कहा मुझको छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर डालू और वो अपने रब को पुकारे, मुझको अंदेशा है कि कहीं वो तुम्हारा दीन बदल डाले या मुल्क में फसाद फैला दे।
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب। وقال موسى, موسى ने कहा इन्नी उस्तु, आज यऊज माने होता है पनाह लेना, इन्नी उस्तु मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह लेता हूँ, पास्ट में है, मैंने पनाह ली हुई है अपने रब की, अपने रब की, वो रब बिकुम और तुम्हारे रब की, यानी मेरा और तुम्हारा एक ही रब है, तो मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ली है। मिन कुल्ली, मिन माने से, कुल माने हर एक, मुतकब्बिर तकब्बुर करने वाला, हर एक घमंडी से, ला यूमिनु जो यकीन नहीं रखता, बियोम हिसाब, हिसाब के दिन पर। और मूसा ने कहा कि मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ली हर उस मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता। وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات بالبينات من ربكم وقال। और कहा रजुलुन, एक शख्स ने, मुमिनून जो ईमान वाला था, एक मोमिन शख्स ने कहा, मिन आली फिरौन, फिरौन के खानदान में से, यानी वो ईमान ले आया था, फिरौन के खानदान में से एक शख्स था, वो ईमान ले आया था, उसने कहा। अब आगे है वो बंदा कैसा था, एक तुम ईमान हो, कतम एक तुम माने होता है छुपाना, एक तुम ईमान हो, वो अपने ईमान को छुपा रखा था उसने, उसने अपने ईमान का जाहिर को जाहिर नहीं किया था अभी कि मैं मोमिन हो गया हूँ, उसने ये नहीं बोला था। उसने कहा अतक्तुलूना, क्या तुम कत्ल कर दोगे, रजुलन एक शख्स को, अन यकूला कि वो कहता है रब्बी अल्लाह, रब्बी मेरा रब अल्लाह है, वकद जाकुम और वो आया है तुम्हारे पास, बिल बयिनात वाज़े निशानियां लेकर, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, यानी एक शख्स बस ये बात कहता है कि मेरा रब अल्लाह है तो तुम इसको इस बात पे कत्ल कर दोगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिना दलील के कोई बात कह रहा है, वो दलील भी लेकर आया है, निशानी भी लेकर आया है, तुम गौर करो, खाली बिना इस सोचे समझे इस पर तुले हुए हो। और आले फिरौन में से एक मोमी शख्स जो अपने ईमान को छुपाए हुए था, वो बोला कि तुम लोग एक शख्स को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से खुली हुई दलीलें भी लेकर आया, तो उन दलीलों पर गौर करो, ध्यान लगाओ, सोचो समझो। وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب। देखो कितनी कितनी समझदारी की बात, इनको समझा रहा है कि बहुत अकल से अगर तुम काम लोगी तो, वही यकू और अगर होगा काजिबन, वो शख्स मतलब काना यकून से, वही यकू अगर वो होगा काजिबन झूठा, अगर वो झूठ बोल रहा होगा, फाले ही तो उसी पर पड़ेगा कजिबु, उसका झूठ बोलना, उसका झूठ बोलने का बवाल उसी पर होगा। तुम गौर करो समझो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, वही यकू काजिबन अगर वो झूठा है अपनी बात में, फाले ही कजिबु तो उसका बवाल उसी पर होगा, वही यकू सादिकन और अगर वो सच्चा हुआ, युसिबुकुम असाब माने पहुंचना है, युसिबुकुम तो पहुंच जाएगा तुमको, बाजुल्लती यईदुकुम उसका बाज हिस्सा जिसका वो तुमसे वादा कर रहा है, यानी जिस अजाब को वो तुमसे वादा कर रहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे, बात नहीं मानोगे, अड़े रहोगे, अपनी हठधर्मी पर में लगे रहोगे तो तुमको अजाब होगा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। तो अगर वो सच्चा होगा अपनी बात में, अगर वो सच्चा है तो तुमको वो अजाब पहुंचेगा फिर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यहदी हिदायत नहीं देता, राह नहीं दिखाता, मन हुआ उसको जो हो, मुसरिफुन असराफा माने होता है ज्यादती करना, हद से बढ़ना, जो हो हद से बढ़ने वाला, कज्जाबुन झूठ बोलने वाला, और अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा है तो उसका कोई हिस्सा तुमको पहुंच कर रहेगा जिसका वादा वो तुमसे करता है, बेशक अल्लाह ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला हो, झूठा हो। يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا। يا قومي, वही बंदा आप समझा रहे हैं अभी, वही आदमी,
या कौमी, ए मेरी कौम, लकुम तुम्हारे लिए है, अल मुल्क बादशाहत यानी हुकूमत इक्तदार तुम्हारे पास है, अल यौम आज, जाहिरीन फिल अर्ध, जाहिरीन माने गालिब, गालिब रहते हुए, फिल अर्ध जमीन में, जमीन में तुम्हारा गलबा भी है, जहरा आला माने होता है गालिब आ जाना, तुम गालिब भी हो, तुम्हारे लिए बादशाहत है इक्तदार है कि तुम जमीन में गालिब भी हो, फमय्यन सुरुना तो कौन, मन कौन, यंसुरु मदद करेगा ना हमारी, मिन बासिल्लाही अल्लाह के अजाब से, इंजाना अगर वो हमारे पास आ गया, अल्लाह का अजाब अगर आ गया तो हमारी कौन मदद करेगा, तो अभी वक्त है तुम्हारे पास, इक्तदार भी है तुम्हारे पास, सब चीज है, तो ये तुम्हारे पास बाकी रहेगा सब कुछ, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे, बाज नहीं आओगे, तो अल्लाह का अजाब आएगा और फिर कौन मदद करेगा, ऐ मेरी कौम आज तुम्हारी सल्तनत है कि तुम जमीन में गालिब हो, फिर अल्लाह के अजाब के मुकाबले हमारी कौन मदद करेगा अगर वो हम पर आ गया। قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون, فرعون ने कहा ما أريكم, नहीं मैं तुमको दिखाता, इल्ला मगर, ما أرى जो मैं देख रहा हूँ, यानी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ बस, वमा अहदीकुम और नहीं मैं तुमको राह बता रहा हूँ, इल्ला मगर, सबील रशाद सीधी राह, सीधे रास्ते की राह, सीधी राह, सबील माने रास्ता, रशाद माने हिदायत रहनुमाई। फिरौन ने कहा कि मैं तुमको वही राय देता हूँ जिसको मैं समझ रहा हूँ, और मैं तुम्हारी रहनुमाई ठीक भलाई के रास्ते की तरफ कर रहा हूँ। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن, उस शख्स ने कहा जो ईमान ले आया था, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी अखाफ, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर, यानी मुझे तुम्हारे बारे में डर है, मिसला उसी चीज का, यौमिल अहजाब गिरोहों के दिन जैसी चीज का, गिरोह यानी पहली कौमों के दिन जैसी चीज का ही मुझे तुम पर अंदेशा है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी उसी तरह का अजाब और वो दिन तुमको देखना पड़े जो पहली लोग कौमों ने देखा। और जो शख्स ईमान लाया था उसने कहा कि मेरी कौम, मैं डरता हूं कि तुम पर और गिरोह जैसा दिन आ जाए, मिसल दअबि कौम नूहिं व आदिं व समूद वल्लज़ीन मिन बादिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल्इबाद। मिसला जैसे दअबि कौम नूह, दअबुन माने आदत होता है, दअबा माने किसी काम को मुसलसल करना, करते रहना, और मुसलसल जो काम होता है उसको हैबिट बोलते हैं, आदत बोलते हैं। खुद मीर इब्राहिम कैमरा ऑन कीजिए अपना, और इसका एक मीनिंग हाल भी है, ठीक है, जैसे हाल हुआ कौम नूह, कौम नूह का, वाद और आद का, व समूद और समूद का, व लजीन मिन बादिहिम और जो इनके बाद हुई, व अल्लाह और अल्लाह नहीं है, युरीदु कि वो चाहे, जुल्मन जुल्म लिल इबाद बंदों के लिए, जैसा दिन कौम नूह और आद और समूद और उनके बाद वालों पर आया, और अल्लाह अपने बंदों पर कोई जुल्म करना नहीं चाहता। وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. وَيَا قَوْمِ, और उसने कहा है मेरी कौम, इन्नी अखाफ अलैकुम, मुझे तुम पर अंदेशा है, यौम तनाद, यौम तनाद का, तनाद माने होता है नादा युनादी माने पुकारना, और तनादा माने भी पुकारना ही होता है, एक दूसरे को आवाज देना, कि एक दूसरे को पुकारेंगे, आवाज लगाएंगे रोज महशर, उस दिन कभी मैं मुझको तुम पर अंदेशा है, और ऐ मेरी कौम, मैं डरता हूं कि तुम पर चीख पुकार का दिन आ जाए, यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिन अल्लाह मिन आसिम वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। यौम, जिस दिन तुवल्लूना, वल्ला युवल्ली माने होता है उल्टे पांव फिरना, मुदबिरीन और अदबारा माने भी होता है पीठ के बल पीछे चलना, पीठ की तरफ पीठ करके चल, पीठ दिखा के चल, यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, जब तुम पीठ फेर कर भागोगे, मा लकुम मिन अल्लाह,
मा नहीं लकुम, तुम्हारे लिए मिन अल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में मिन आसिम, कोई बचाने वाला। आसमा माने होता है बचाना, आसमा या आसिम, आसिम बचाने वाला। वमन यूज वमन, और जिसको यूज़ुरिल्लाह, अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू, तो नहीं है उसके लिए मिन हादिन, कोई राह दिखाने वाला। जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और तुमको खुदा से बचाने वाला कोई ना होगा, और जिसको खुदा गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ولقد يقينا جاءكم, تمہارے پاس آئے يوسف, يوسف من قبل, اس سے پہلے, بالبينات, واضح نشانیاں لے کر, فما زلتم, زالہ معنی ہوتا ہے ہٹ جانا, اور ما زالہ نہ ہٹنا, یعنی مسلسل کرنا کسی کام کو, ٹھیک ہے, कंटिन्यूसली कोई काम करना। जाला माने जाहिल हो जाना, हट जाना, जवाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो माँ उससे पहले निगेटिव लग गया, नहीं हटोगे तुम, नहीं हटे तुम, यानी मुसलसल करते रहे। फमाजिल तुम, तो मुसलसल तुम रहे, फी शक की शक में, मिम्मा उस चीज की तरफ से, जो जा तुम वो आए लेकर तुम्हारे पास, भी उसके साथ, यानी जो चीज वो तुम्हारे पास लेकर आए उस चीज की तरफ से तुम हमेशा मुसलसल शक में रहे। और इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास खुले हुए दलाइल के साथ आए, तो तुम उनकी लाई हुई बातों की तरफ से शक ही में पड़े रहे। हत्ता इदा हलक कुलतुम लन यबअथ अल्लाहु मिन बादिही रसूला कदालिका युज़िल्लु अल्लाहु मन हुवा मुसरिफुम मुरताब। हत्ता, यहाँ तक के, इजा हलका, जब वो हलाक हो गए, जब उनको मौत आ गई, बोल तुमने कहा लन, हरगिज नहीं, ये बास अल्लाह, अल्लाह भेजेगा, मिन बाद ही, इसके बाद रसूला, कोई रसूल, कजालिका इसी तरह, युजिल्लाह अल्लाह बेराह करता है, गुमराह करता है, मन हुआ जो हो, मुसरिफुन हद से बढ़ने वाला, मुर्ताब, इर्ताब माने होता है शक करना, मुर्ताब शक करने वालों को बोलते हैं, जो शक करने वाला हो। यानी तुम मुसलसल पहले तो उनकी लाई हुई बातों में शक में ही रहे, और उनकी बात को तुमने यकीन के साथ नहीं माना, यानी तुम्हारे आबा अजदाद ने, बाप दादाओं ने, पहले लोगों ने, और जब वो मर गए तो तुमने कहा कि अल्लाह इन जैसा बंदा आप कभी नहीं भेजेगा, वो इतने महान थे, अजीम थे, इतने बेहतरीन शख्स थे। उनके मरने के बाद तुम ये सब बात बोलने लगे। अब ऐसे ही अभी भी तुम वही बात कर रहे हो, मूसा तुम्हारे पास आए हैं अल्लाह की हिदायत लेकर, अल्लाह की निशानियां लेकर, तो अभी तुम इस नेमत की कदर नहीं कर रहे हो, और फिर ये भी हाथ से निकल जाएगी, और फिर उसके बाद पछताना होगा। यहाँ तक कि जब उनकी वफात हो गई तो तुमने कहा कि अल्लाह उनके बाद हरगिज कोई रसूल ना भेजेगा, इसी तरह अल्लाह उन लोगों को गुमराह कर देता है जो हद से गुजरने वाले और शक करने वाले होते हैं। الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا الذين, वो लोग पीछे, मन हुआ मुसरिफ मुर्ताब, वही الذين, वो लोग जो, يجادلون, जादला बहस करना, झगड़ना, की आयत अल्लाह, अल्लाह की आयतों में बहस करते हैं, झगड़ते हैं, बगैर सुल्तान, बगैर दलील के, आता हूँ जो उनके पास आए, यानी उनके पास बगैर किसी दलील के वो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, बहस करते हैं। कबूरा माने होता है बड़ा होना, कबूरा बड़ी है ये बात, मक्तन गुस्से के एतबार से, इंद अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, व इंद अल्लज़ीन आमनू, और उनके नज़दीक जो ईमान लाए, जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बगैर किसी दलील के, जो उनके पास आई हो, अल्लाह और ईमान वालों के नजदीक ये सख्त मबगूज है ये बात। कदालिक यतबउ अल्लाहु अला कुल्ली कल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, कदालिक, इसी तरह यतबउ अल्लाह, अल्लाह मोहर लगा देता है, तबा यतबउ माने मोहर लगाना, अल्लाह मोहर लगा देता है, अला कुल्ली कल्बिन, अला कुल्ली कल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, हर एक तकबर करने वाले और जुल्म करने वाले, शरकत सरकश आदमी के दिल पर, कल्ब, दिल, कुल्ली कल्बिन माने हर एक दिल पर, और किसके दिल पर, मुतकब्बिरिन, तकबर करने वाले, जब्बार, जालिम शख्स के।
इसी तरह अल्लाह मोहर कर देता है हर मगरूर सरकश के दिल पर। وقال فرعون يا هامان ابن لي يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب وقال فرعون और फिरौन ने कहा या हामान है हामान, ये नाम है हामान, इब्नी बना इब्नी से बनाने, बना इब्नी माने बनाना, उससे अम्र है इब्नी बना दो ली मेरे लिए सरहन एक किला, लाल ली ताकि मैं अब लोग बलग अब लोग पहुंचना मैं पहुंच जाऊं अल असबाब, सबब का प्लूरल है असबाब, माने रस्सी भी होता है और जराए जो किसी चीज के कहीं पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है जरिया उसको बोलते हैं सबब। तो क्योंकि रस्सी रास्ता ये सब दूसरी जगह पहुंचने के जराए होते हैं इसलिए रस्सी को भी और रास्तों को भी सबब बोलते हैं, ताकि मैं रास्ते को पहुंच जाऊं। फिरौन ने कहा कि ऐ हमान मेरे लिए एक ऊंची इमारत बना ताकि मैं रास्तों पर पहुंचू। اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب। اسباب السماوات आसमानों के रास्ते पर ताकि मैं पहुंच जाऊं रास्तों पर, यानी आसमानों के रास्ते पर। فاطلع इत्तला इला और आला माने होता है झांकना, फातलिया इला इला ही मूसा ताकि मैं झांक कर देखूं मूसा के इलाह को, यानी मैं मूसा के इलाह को देख लूं। अब देखो ये इस तरह की बातें आदमी क्या करता है, बिना लॉजिक के कोई ऐसी बातें कर रहे हैं बिना दिमाग के, जब आदमी हर तरफ से उसके पास कोई दलील नहीं होती, बस जिसको बोलते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात है। अब उनके पास कोई जवाब तो था नहीं, मूसा अलैहि सलाम की जो दलीलें थी और जो निशानियां थी उनके तोड़ में कोई जवाब उनके पास नहीं था, तो वो क्या बातें कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि मेरे लिए एक महल बना दो ताकि मैं आसमान में पहुंचकर मूसा के इलाह को झांक के देखूं वहां पर कि वो है इलाह वहां पर है भी या नहीं, क्योंकि वह इन्नी और बेशक मैं लाजुन्नु, जन्न जुन्नु माने सोचना समझना, बेशक मैं तो समझता हूँ इसको काजिबा झूठा, मैं तो इसको झूठा समझता हूँ, हाँ झांक कर देखने के बाद अगर मिल गया तो ठीक है मान लूंगा, ये कहना चाह रहा है। वह कदा लिखा और इसी तरह जुगिना, जुगिना माने होता है खूबसूरत करना आरास्ता करना, खूबसूरत कर दिया गया लिफिरौन, फिरौन के लिए सूउ अमल ही उसके बुरे अमल को। कई बार ये होता है अल्लाह से इस बारे में पनाह मांगनी चाहिए कि इंसान को अपने बुरे अमल अच्छे लगने लगते हैं, तो ऐसे ही था इनको अपने गलत काम भी अच्छे लगने लगे थे। फिरौन की हालत यहाँ तक हो गई थी कि उसके उसके गलत काम उसके बुरे काम भी उसको अच्छे लगने लगे थे, और इस तरह फिरौन के लिए मुजयन कर दिए गए उसके बुरे अमाल वसुद्दा और उसको रोक दिया गया अली सबीर सीधे रास्ते से। अलिफ लाम लगा है क्योंकि, और अलिफ लाम दा का काम करता है यानी खास रास्ता जो सीधा रास्ता। ममा कैदू फिरौन वो नहीं है फिरौन की चाल इल्ला फी तबाब मगर बेकार, तब्बा माने होता है बर्बाद होना, उसी से तबाब वो बर्बाद होने वाली है खराब होने वाली है, फिरौन की चाल कामयाब होने वाली नहीं है। आसमानों के रास्तों तक बस मूसा के माबूद को झांक कर देखूं और मैं तो उसको झूठा ख्याल करता हूं, और इस तरह फिरौन के लिए उसकी बदामली खुशनुमा बना दी गई और वो सीधे रास्ते से रोक दिया गया और फिरौन की तदबीर गारत होकर रही। وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد وقال और उसने कहा लजी आमना जो ईमान ले आया था या कौमी ए मेरी कौम इत्तबिउनी इत्तबिउ तुम लोग इत्तिबा करो नी मेरी अहदिकुम मैं तुमको राह दिखाऊंगा सबील रशाद सीधे रास्ते की। और जो शख्स ईमान लाया था उसने कहा कि ए मेरी कौम तुम मेरी पैरवी करो मैं तुमको सही रास्ता बता रहा हूँ। या कौमी इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم أمري قوم إنما بشك هذه الحياة الدنيا ये दुनिया भी जिंदगी मता बस चंद रोज का फायदे का सामान है। मता कहते हैं फायदे के सामान को, यानी कुछ रोज के लिए बस ये फायदे का सामान है और कुछ नहीं है। وإن الآخرة और बेशक बाद के आने वाली जिंदगी यानी कि आखिरत ही दारुल करार वही
हकीकी घर है। करार माने होता है, कर्रा माने होता है ठहरना, रुकना, हमेशा रहने वाला घर है। ऐ मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी महज चंद रोजा है और असल ठहरने का मकाम आखिरत है। मन आमिल सैयतन फला युज़ा इल्ला मिथलहा वमन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था वहुवा मुमिनुन फौलाइका यदखुलून अल-जन्नत युरज़कून फीहा बिग़ैर हिसाब। देखिए, अमल के एतबार से अल्लाह के यहाँ पर, बदले के एतबार से अल्लाह के यहाँ पर मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। मन अमिला सय्यतन, जो कोई भी बुराई करेगा, फला युज़ा, तो नहीं बदला दिया जाएगा उसको, इल्ला मिसलहा, मगर उस जैसी बुराई, यानी उतना ही जितना उसने किया। वमन अमिला सालिहन, और जिसने अमल किया अच्छा, मिन ज़करिन, मर्द में से, और उनसा या औरत में से, वहुवा मुमिनुन, बशर्ते कि वो मोमिन हो, सिर्फ यकीन रखता हो, फौलाइका, तो ये लोग हैं, ये दुखलून अल जन्ना, ये जन्नत में दाखिल होंगे। युरज़कूना, रज़क़ा, रुज़ुक माने होता है रोजी देना, पैसिव फॉर्म है युरज़कू, वह उनके साथ प्लूरल है, वो रोजी दिए जाएंगे, यानी उनको उसमें रिस्क मिलेगा, फीहा फी अल जन्ना, ये जन्ना, जन्नत में बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के, जो शख्स बुराई करेगा तो वो उसके बराबर बदला पाएगा, और जो शख्स नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहां वो बेहिसाब रिस्क पाएंगे। वया कौमी माली अदुउकुम इलन नजाति वतदुउननी इलन नार। वया कौमी, ए मेरी कौम, माली, मुझे क्या हुआ है, यानी क्या हो गया, अदुउकुम, कि मैं तुमको पुकार रहा हूं इलन नजात, नजात की तरफ, वतदउननी, और तुम बुला रहे हो नी मुझको, इलन्नार, आग की तरफ, और ऐ मेरी कौम, क्या बात है कि मैं तुमको नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझको आग की तरफ बुला रहे हो। तदउननी लियकफुर बिल्लाहि व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म व अना अदउउकुम इलल अज़ीज़िल गफ्फार। तदउननी, तुम पुकार रहे हो, तुम बुला रहे हो नी मुझको, ली, ताकि अकफुर बिल्ला, के मैं इनकार कर दूं अल्लाह का, वोशरी का भी, और उसके साथ शरीक कर लूं, मा लई सली भी इल्म, उनको लई सली नहीं है मेरे पास भी, जिनके बारे में इल्म, कोई इल्म, कोई इल्म नहीं है मेरे पास कि अल्लाह ने उनको शरीक बनाया अपना, तो मैं उन चीजों को अल्लाह के साथ शरीक कर लूं। वा अना दुउकुम, और मैं तुमको बुला रहा हूं इलल अजीज, जबरदस्त की तरफ, अल गफ्फार, बख्शने वाले की तरफ, तुम मुझको बुला रहे हो कि मैं खुदा के साथ कुफ्र करूं और ऐसी चीज को उसका शरीक बनाऊं जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुमको जबरदस्त मगफिरत करने वाले खुदा की तरफ बुला रहा हूं। चलिए यहां तक ही रहने देते हैं, आज आप इसको याद कर लीजिएगा, वर्ड्स मिलेगा। सलाम वालेकुम।